हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में मतलब कि हम पीसीओडी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे ये डिसीज होने के कारण मतलब कि कॉजेज़ क्या है कौन से रीजन्स के कारण पी होता है उसके अंदर सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है एंड कौन से मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ये डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने के कारण लक्षण और उसके इलाज के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑग्स थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मरॉग्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन का अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझिए पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीसीओडी तो पीसीओडी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है और ये डिसीज के अंदर हम देखें तो एक हार्मोनल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं इन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज तो रिप्रोडक्टिव एज में जो भी वुमेंस होते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है और ये हार्मोनल डिसऑर्डर कहा जाता है एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन अफेक्ट इन फाइव परसेंट टू टेन परसेंट ऑफ वुमन इन द एज ऑफ ट्वेल्व टू फोर्टी फाइव ईयर्स मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव एज जो हम कहते हैं कि ट्वेल्व से लेकर फोर्टी फाइव ईयर्स की एज की जो रिप्रोडक्टिव एज कहा जाती है किसी भी फीमेल्स के अंदर तो इनके अंदर ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण जो ये कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको कहा जाता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो पी को समझो कि आपको अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज ओवेरी तो वन ऑफ पेयर ऑफ फीमेल ग्लैंड्स इन विच द एक फॉर्म एंड द फीमेल हॉर्मोन्स एंड प्रोजेस्टर आर मेड तो यहाँ पे समझो कि आप सिंपल एनाटॉमी देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो उसके अंदर यहाँ पे देखो ये वजाइना का पोर्शन है ये ओवेरिस का पोर्शन है कि ये दो पेर में होते एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो आप ओवेरिस देखते हैं फिर यहाँ पे आप यूटेरस देख सकते हैं और ये वाली जो ये ट्यूब है उसको फेलोपियन ट्यूब जो है वो कहा जाता है तो ओवेरिस क्या है तो ओवेरिस जो एक ग्लैंड है फीमेल्स के अंदर और ये ग्लैंड का जो मेन काम होता है एग्स का रिलीज़ करने का कि एक का प्रोडक्शन भी वहाँ पे होता है एंड ऑल्सो द फीमेल हार्मोन्स कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं कि जो हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की जो बात करते हैं तो दोनों फीमेल हार्मोन्स भी वही पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड कही जाएगी कि ओवेरिस जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लैंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो ये जो हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओवेरिस द्वारा उनके हम कुछ फंक्शंस देखें तो उससे आपको पता चल गया कि ये जो हार्मोन है कि लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोड्यूस होते हैं ओवेरिस द्वारा और यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है ओवेरिस के अंदर तो ये हार्मोन जो है उनके इम्पोर्टेंट रोल देखे तो इन फीमेल ट्रेड्स सच सचेज ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है बॉडी सेप एंड बॉडी हेयर ये तीनों के लिए ये हार्मोन्स का होना जरूरी है फिर दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मैंस्टोरियल साइकिल फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी की जो मैंस्टोरियल साइकिल है उसकी जो रेगुलरिटी है उसके अंदर भी ये हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलिटी के अंदर एंड ऑल्सो इन ए प्रेगनेंसी द इज प्रोड्यूस द एग्स एंड हॉर्मोन तो इस तरह से आपको पता चला गया कि, कि ओवेरिज क्या है तो ओवेरिज क्या करती है एग फॉर्मेशन करती है एंड हॉमोन्स तो जब किसी को पी होता है तो स्पेशली अफेक्ट होते हैं ये ओवेरिज और उसके कारण ये जो सभी अलग अलग फंक्शंस होते हैं ये चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे समझिए तो जो बात आती है अब ओवेरियन सिस्ट की तो ओवेरियन सिस्ट क्या है तो अ सॉलिड और फ्लूइड फील्ड सैक और पॉकेट विद इन और ऑन सरफेस ऑफ ओवरी मतलब कि जो आप ओवेरिस देख रहे हैं उनके सरफेस के ऊपर या फिर ओवेरिस के अंदर जो फ्लूड से भरे हुए एक सैक मतलब कि जैसे कोई आप गुब्बारा देखते हो उस तरह से या फिर कोई पॉकेट होता है ऐसा फ्लूड से भरा हुआ पॉकेट जो है वो तैयार होते हैं चाहे वो सॉलिड भी होते हैं या फिर वो फ्लूड द्वारा भरे हुए ऐसे सिस्ट डेवलप होते हैं तो यहाँ पे देखो ये ओवेरियन सिस्ट यहाँ पे दिखाई है और इसी को यहाँ पे नीचे डायग्राम के अंदर उसका ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि ये ओवेरियन सिस्ट और ये जो नीचे के डायग्राम में जो आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर तो ये भी ओवेरियन सिस्ट है तो ये सिस्ट के अंदर यूजअली जैसे कोई पानी भरा गुब्बारा हो उस टाइप के ये सिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं ओवेरिस के अंदर तो उनको कहा जाता है ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन सिस्ट यूजअली डिसपियर इन ए फ्यू मंथ्स बट कैन कोज कॉम्प्लिकेशंस इफ दे डोंट तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे ये क्या लिखते हैं कि जब ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं ओवेरिस के अंदर तो वो यूजली डिसअपियर हो जाते हैं मतलब कि ऑटोमेटिकली वो कुछ महीनों के बाद डिसअपियर हो जाते हैं डेवलप भी होते हैं और फिर से ऑटोमेटिक डिसपेयर हो जाते हैं बट समझो कि वो डिसपेयर नहीं होते तो उनके कारण जो है वो ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि लाइक यहाँ पे समझो कि कोई सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है बट विद इन वन और टू मंथ या फिर थ्री मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसपियर हो गया तो ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेगा बट ये एक सिस्ट है फिर उसके बाद दूसरा भी सिस्ट डेवलप होता है फिर तीसरा ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सिस्ट ओवेरिस के अंदर डेवलप होते हैं जैसे कोई पानी भरे गुब्बारे होता है ऐसे बहुत सारे सिस्ट वहाँ पे बनते जाते हैं और पी का जिसको प्रॉब्लम होता है जिसको कहता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर डिसीज तो ऐसे वोमेंस के अंदर ट्वेंटी फाइव या फिर उससे भी ज़्यादा सिस्ट देखने को मिलते हैं इन सिंगल ओवेरी क्या आप एक या सिंगल ओवेरीज देखें तो उसके अंदर ट्वेंटी फाइव या फिर उससे भी ज़्यादा ऐसे सिस्ट देखने को मिलेंगे सेम लाइक दैट दूसरी ओवेरी के अंदर भी तो ये मेन प्रॉब्लम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर की यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खास अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ओवेरियन सिस्ट का जिसको पता चलेगा वही आगे के पॉइंट्स जो है वो समझ पाएगा कि ओवेरियन सिस्ट क्या है तो सिस्ट मतलब कि फ्लूड फिल सैक है कि जैसे सिंपल आप कोई गुब्बारे का ही एग्जाम्पल लो जैसे कोई बलून्स होते हैं तो बलून्स के अंदर समझो कि आपने पानी भरा है तो कैसे बलून्स होते हैं तो सेम लाइक दैट येस सिस्ट फॉर्मेशन होता है आपकी ओवेरिस के अंदर बट ये यूजली डिसफियर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और कोई प्रॉब्लम भी कॉज नहीं करते बट समझो कि वो डिसफियर ना हो और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाए तो वो कॉम्प्लिकेशंस करेंगे और पी या फिर पी के अंदर वुमेंस के अंदर 25 या फिर उससे भी ज़्यादा सिस्ट डेवलप होते हैं सिंगल ओवेरी के अंदर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिशीज और अ सिंड्रोम तो ये था मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस डिसीज़ सो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसज इन पी मल्टीपल बबल लाइक फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द वन और बॉथ द ओवेरिस की जैसे आप देख सकते कि जैसे बबल लाइक्स या फिर बलून्स जैसे ये जो सीस्ट फॉर्म देख सकते हैं तो सो चाहे एक ओवेरीज के अंदर डेवलप हो या फिर दोनों के अंदर भी ये डेवलप हो सकता है कि अभी देखो ये साइड की जो ओवेरी है वो नॉर्मल है बट यहाँ पे पॉलिसिस्टिक ओवेरी हो चुकी है ये मतलब उसके अंदर ये बहुत सारे सीस्ट आप देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि ये एक सिस्ट ऐसे दूसरा भी सिस्ट डेवलप हो चुका है ये तीसरा ये चौथा ऐसे बहुत सारे सिस्ट डेवलप होते जाते हैं और ये जो सिस्ट है उनके कारण जो डिसीज जो तैयार होती है दैट इज कॉल ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम आगे सीखेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिस्ट एक पार्शियली मैच्योर बट आर नॉट रिलीज अब हमें पता है कि ओवेरिस का जो काम है वो हॉर्मोन्स तो प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर बट साथ उसका काम है एग फॉर्मेशन का अब ये पॉलीसिस्ट के कारण क्या होगा कि ये बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट हैं तो मल्टीपल सिस्ट के कारण प्रॉब्लम ये होगा कि एग्स जो है वो पार्शियली मैच्योर होंगे प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे बट आर नॉट रिलीज साथ एग रिलीज भी नहीं होंगे अब यूजअली क्या होता है कि जब एक मैच्योर हो जाते हैं अच्छे से तो ये फेलेपियन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पे यूटेरस के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो है समझो कि फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे फिर आगे फीटस डेवलप होता है बट जब पीसीओडी के अंदर जब एग ही रिलीज ना हो पाए या फिर वो मैच्योर नहीं होते प्रॉपर या फिर पार्सली मैच्योर होते हैं तो आगे जाके जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं पी के कारण सो दिस एग्स रिमेन इन देयर फॉलिकल्स विच स्वेल्स बट डोंट ओपन ये जो है प्रॉपर स्वेल तो होते हैं बट डोंट ओपन वो उनके फॉलिकल्स के अंदर ही रहते हैं एंड थर्स इट कोज द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेंस एंड ऑल्सो कोस अ डिफिकल्टी इन कंसीव द प्रेगनेंसी के साथ इनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उनको भी डिफिकल्टी होती है उधर साथ इसके कारण क्या होता है मैंस्टोरियल साइकिल इरेगुलर हो जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरिस सो इन फी सीओडी डेवलप द न्यूमेरस स्मॉल कलेक्शन ऑफ फ्लूड कॉल्ड फॉलिकल्स एंड मे फेल टू रेगुलरली रिलीज द एग्स ये जो मल्टीपल ये सिस्ट डेवलप हुए ये स्पेशली अफेक्ट करेंगे एक फार्मेशन और उनके रिलीज़ के ऊपर एंड इट कैन कोज द प्रॉब्लम विथ मैंस्टोरियल पीरियड्स एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल टू कन्सीव द प्रेग्नेंसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिनको प्रेगनेंसी कन्सीव करनी है उनको भी डिफिकल्टी होगी साथ मैंस्टोरियल -साथ, पीरियड्स जो है वो भी इरेग्युलर हो जाएंगे एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल्स टू कन्सीव प्रेगनेंसी इट कोज द इरेग्युलर और प्रोलॉन्ग मैंस्टोरियल पीरियड्स एंड ऑफन एक्सेस मेल हार्मोन लेवल अब यहाँ पे क्या होता है इरेगुलर पीरियड्स भी हुए प्रोलॉन्ग पीरियड्स भी हो गए बट प्रॉब्लम एक और यहाँ पे क्रिएट होता है दैट इज़ कि एक्सेसिव मेल हार्मोन्स का लेवल कि जो हम एंड्रोजन्स कहते हैं वो एंड्रोजन्स का लेवल फीमेल्स के अंदर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं अब जैसे जैसे ये डिसीज़ की सीवियरिटी और बढ़ती जाती है और जितने ज़्यादा सिस्ट यहाँ पे डेवलप होते जाएंगे ये डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो और इंक्रीज हो जाते हैं तो व्हाट आर द चेंजेस इन पीसीओडी कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस में चेंजेस क्या होते हैं तो सबसे पहले जिसको समझो कि सबसे पहले तो मैंने बात की कि कोई एक ही सिंगल सिस्ट डेवलप होते हैं ऑटोमेटिकली कई बार वो डिसपियर भी हो जाते हैं बट ऐसा ना हो तो एक सिस्ट फिर दूसरा सिस्ट तीसरा ऐसे मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो जाते हैं एक था इसको हम कहते हैं सिंगल बट यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए मतलब कि पॉली उसी के कारण क्या होगा कि पॉलिसिस्ट हो गए मतलब पॉलिसिस्टिक कहाँ पे डेवलप होते तो ओवेरिस के अंदर मतलब कि ओवेरियन और डिसज या फिर सिंड्रोम बन जाता है जिसके कारण ये हम कह सकते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो ये अब चेंजेस क्या करेगा तो चेंजेस क्या करता है देखो तो सबसे पहला उसके कारण जो चेंजेस होगा दैट इज़ ऑन अ पीरियड्स तो मैंस्टूडियल पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे कि जो नॉर्मल हम 28 डेज़ का जो साइकिल कंसीडर करते हैं मैंस्टुडियल साइकल तो ये हो जाएगा इरेगुलर और उसके कारण बहुत सारे आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होंगे सो टोटल समझो कि हम कैलकुलेट करें कि ट्वेंटी सो मतलब कि ट्वेल्व मंथ के अंदर टोटल समझो कि आपके ट्वेल्व पीरियड्स होते हैं उसके बजाय यहाँ पे फ्यूवर देन नाइन पीरियड्स अयर ये खास पॉइंट पे आप फोकस करिए कि जिसको पी है तो वो खास ये एक सिम्टम बेस भी पता चल सकता है कि पूरे साल में एटलीस्ट आपके नाइन जितने ही पीरियड्स जो है वो होते हैं एंड मोर देन थर्टी फाइव डेज बिटवीन द पीरियड्स मतलब कि इरेगुलर कह सकते हम कि जो ट्वेंटी एट डेज़ का जो साइकिल होता है उसके बजाय थर्टी फाइव डेज या उससे भी ज़्यादा जो है वो गैप हो सकती है बिटवीन द टू पीरियड्स एंड एबनॉर्मली हैवी पीरियड्स कुछ लोगों को हैवी पीरियड्स भी होता है तो ये सबसे पहला चेंजेस देखने को मिलता है कि जिसको पी सी ओड या फिर पी सी ओ से तो ये चेंजेस के ऊपर ख़ास ध्यान रखिए अच्छे से अच्छे चेंजेस समझिए तो पहला चेंजेस आपने समझ लिया इरेगुलर पीरियड्स के बारे में दूसरा चेंजेस जो समझना है दैट इज़ कि एक्सेस एंड्रोजन कि जैसे हमने बात की कि मेल हॉर्मोन का लेवल इंक्रीज़ होना तो एलिवेटेड लेवल ऑफ मेल हारमोन्स सब समझो कि वुमेन्स की जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग टू अब समझो कि उसके अंदर मेल हॉर्मोन्स डेवलप होंगे तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि बॉडी हेयर का डेवलपमेंट होगा कि ऐसे बॉडी एरियाज़ के जहाँ like पे समझो कि यूजअली वुमेंस को हेयर नहीं आते कि लाइक समझो कि आपके फेस पे समझो कि हेयर बहुत कम होते तो एक्सेसिव फेसियल हेयर देखने को मिलेंगे यहाँ पे फिर फिज़िकल साइंस जो है वो ऐसे चेंज होंगे एंड ओकेशनली सीवियर एक्ने एंड मेल पैटर्न एंड बाल्डनेस वगैरह आपको देखने को मिलेगा तो यूजुअली की जो फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं कि चेहरे के आसपास ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती तो इसके कारण क्या होगा कि समझो कि मेल हॉर्मोन्स इंक्रीज़ होता है तो फेसियल हेयर जो है वो इंक्रीज होते हैं साथ साथ बॉडी हेयर भी इंक्रीज़ होता है जिसको हिरसुडिजम uh, जो हम कहते हैं फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरिस डेवलप होना मीन्स ओवेर माइट बी एनलार्ज कि जब डायग्नोसिस किया जाता है और जब अल्ट्रासाउंड uh, वगैरह करके जब चेक करेंगे सोनोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि ओवेरिस्क के अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे एंड कंटेन फॉलिकल्स डेट्स अराउंड द एग्स एज अ रिजल्ट द ओवेर माइट फेल टू फंक्शन रेगुलरली तो ये तीन सबसे बड़े चेंजेस होंगे कि जिसको पी सी ओ होता है कि सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स हो जाना मेल हॉर्मोन्स के जो एंट्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज होना और तीसरा एवरेज जो है वो पॉलिसिस्टिक होना एनलार्ज होना और जो एग्स होते हैं उनके आसपास फॉलिकल्स जो है वो देखने को मिलता मिलनेगा एंड ओवेरिज का जो नॉर्मल फंक्शन है वो अब चेंज हो जाएगा तो सिम्टम्स देखें तो कौन से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स और नो पीरियड्स एट ऑल कि जैसे हमने बात की कि टोटल पूरे ईयर में एटलीस्ट आपके नौ जितने ही पीरियड्स होंगे तो उसको हम कह सकते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स कि 35 डेज या उससे भी ज़्यादा गैप हो सकता है बिटवीन द टू मैंस्टोरियल साइकिल फिर दूसरा हम देखें तो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेगनेंट बिकॉज ऑफ इरेगुलर ओवल्यूशन और फेल्यूर ऑफ टू ओवलेट अब जब मैंस्टोरियल साइकिल रेगुलर होगा प्रॉपर आपका ओवेल्यूसन नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा कि जिसको हम कह सकेंगे डिफिकल्टी इन गेटिंग अ प्रेगनेंट तो यहाँ पे देखो इरेगुलर पीरियड्स फिर डिफ़िकल्ट इन गेटिंग प्रेगनेंट मतलब कि वो प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा वेट गेन होगा जिसको यहाँ पे लिखा है ओवरवेट, एक्ने हो जाता है अचानक से हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस होता है आपको हेरसुटिज़म के चेहरे के ऊपर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना फिर पेल्विक पेन होना एंड हाई टेस्टस्टेरॉन लेवल के टेस्टेस्टेरॉन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की जिसको हेरसुटिजम कहते हैं यूजली ऑन द फेस चेस्ट बैक और बटक्स वेट गेन हो सकता है आपका थिनिंग हेयर एंड हेयर लॉस फ्राम हेड कि जैसे हेयर लॉस की हमने बात की है ऑयली स्किन या फिर एक्ने वगैरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि जिनको पी है फिर बात करें दूसरे सिम्टम्स की तो इरेगुलर पीरियड्स अकरिंग एवरी टू टू थ्री मंथ्स कि जिसको एमनोरिया हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर कई बार हैवी पीरियड्स भी होते हैं जिसको मेनोरेजिया जो हम कहते हैं तो मेनोरेजिया एंड एमनोरिया दोनों कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है ड्यू टू दी सी ओ डी अनयूजल एंड फेसियल हेयर ग्रोथ मेल पैटर्न बाडलेस मतलब कि जैसे मेल के अंदर जो कुछ देखने को मिलता है लाइक कि चेहरे के ऊपर एक्सेस हेयर uh, वगैरह होना जो कि जैसे हम कहते हैं कि दाढ़ी मूछ होना तो ऐसा फीमेल्स के अंदर भी देखने को मिलता है कि जिनको ये पी का प्रॉब्लम है फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम एंड पिगमेंटेशन और डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द नेक रीजन कुछ लोगों के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलता है कि पिगमेंटेशन होना डार्क स्किन हो जाना आपके नेक के आसपास तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पी के अंदर अब समझते हैं उसके कोजेज रीजंस क्या है तो द काजेज ऑफ पीसीओडी सी स्टिल अन उसके जो कुछ एग्जैक्ट जो रीजंस होते हैं वो अभी तक अनॉन है कि ये कौन से कारण से हो रहा है बट जो हम कुछ सिमटेमेटिक जो काजेज समझे तो सबसे पहले है कि एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ एंड हॉर्मोनल इम्बेलेंस अब समझे कि आपकी लाइफ ऐसी है कि काफ़ी स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर तो स्ट्रेस के कारण क्या होगा कि सबसे पहले असर पड़ेगा हॉर्मोन्स के ऊपर कि जब हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होता है तो सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ ए एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ दूसरा हम देखें तो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन कि जो इन्फ्लेमेशंस होती है सूजन होते हैं बॉडी के अंदर तो वो भी कई बार होता है पीसीओडी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है प्रोडक्शन ऑफ मेल हॉर्मोन्स की जो मेल हॉर्मोन्स की लाइफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो कहा जाता है उसके कारण भी आगे जाके आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है इन हाई क्वांटिटी एंड जीनेटिक कैन बी फाउंड कि हाई क्वांटिटी के अंदर आपके अंदर मेल हॉर्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर बात करें तो ऑल्सो अर्ली एज ऑफ मीनार की अनहेल्दी लाइफ एंड पॉल्यूशन आर सम ऑफ़ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ पी सी ओ डी के कई बार जो पॉल्यूसन है स्ट्रेसफुल लाइफ और अर्ली एज ऑफ मीनर की मतलब कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो चुका है एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अनहेल्दी है तो ये भी एक रीज़न बनेगा आगे जाके पॉलिसिस्टिकोवेरियंट डिसीज होने के लिए फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स देखे कोजेस uh, देखे तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक रीज़न है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स द बॉडी टीस यूआर रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है और इंसुलिन का तो काम हमें पता ही कि जो ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है सो बॉडी देयर फॉर हैज़ टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा इंसुलिन टू कंपेंसेट अब बॉडी के अंदर आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है इंसुलिन का तो आपकी बॉडी क्या करेगी एक्सेसिव इंसुलिन जो है वो रिलीज करेगी High level of insulin causes the ovaries to produce too much testosterone. अब इंसुलिन का लेवल जब आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है Ovaries इसको कमांड करता है अबाउट टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ टेस्टेस्टेरॉन की इसके कारण क्या होगा कि टेस्टेस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस अगेन विच इंटरफेयर विज द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स की जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं द सेक्स इन द ओवेरीज वेयर अ एग्स डेवलप फॉलिकल्स क्या है तो ऐसी जगह के जहाँ पे ओवेरीज के अंदर एग डेवलपमेंट होते हैं एंड प्रिवेंट द नॉर्मल ओवेल्यूसन कि जो नॉर्मल ओवेल्यूशन होता है किसी भी महिला के अंदर तो वो अफेक्ट करेगा ये एक्सेसिव इंसुलिन तो इंसुलिन कैसे डेवलप हुआ ज़्यादा तो फिर से समझिए कि समझो कि लाइक क्या हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का डेवलप हुआ है रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा कि आपके बॉडी जो है वो एक्सेसिव जो है इंसुलिन सीक्रेट करेगी कि एक्सेसिव इंसुलिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर सीक्रेट सीक्रेट हो रहा है रेजिस्टेंस था तो जो डेफिशेंसी है उसको पूरी करने के लिए कंपेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी एक्सेसिव इंसुलिन रिलीज करवाती है अब इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा वो अफेक्ट करेगा ओवेरिस के ऊपर और ओवेरिस को वो कमांड करेगा और ओवेरिस के द्वारा एक्सेसिव टेस्ट रिलीज करवाएगा ये इंसुलिन जिसके कारण क्या होगा कि जो नॉर्मल ओवेरिस का जो फंक्शन है वो जो है वो चेंज हो गए और ये भी एक रीज़न बनता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर सिंड्रोम होने के लिए इसलिए लिए जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ना हो प्रॉपर इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज होता रहे एंड अब इंसुलिन इंक्रीज हो गया तो इट ऑल्सो लीड्स टू वेट गेन विच कैन मेक पी सी ओ डी सिम्टम्स मोर वर्स एज हैविंग एक्सेसिव फैट कोज बॉडी टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन अब एक असर क्या पड़ता है कि जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है तो वो वेट गेन भी करवाता है अब वेट गेन करवाएगा तो पी सी ओ डी जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा खराब होते हैं और एक्सेसिव फैट हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर वेट गेन होगा तो वो फिर से और ज़्यादा इंसुलिन डेवलप करेगा मतलब कि इंसुलिन का समझो कि जैसे प्रॉब्लम होता है तो ये कंडीशन और ज़्यादा जो है वो आगे जाके ख़राब होती जाती है तो स्पेशली ये सब जो है ट्रीटमेंट अच्छे से होना जरूरी जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए वेट लॉस हो तो भी ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो सकता है तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस की तो किस तरह से उसको डायग्नोस किया जाता तो है सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल हिस्ट्री निकालना कि जो भी पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री आप चेक करो अच्छे से उसके मैंस्टुलर साइकिल रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री ऑल्सो अबाउट द फर्स्ट मीनार की लास्ट मैंस्टुरलर साइकिल कब हुआ था तो वो सब मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे सबसे पहले तो डायग्नोसिस कर सकते हैं फिजिकल अपेरेंस मतलब कि चेहरे के ऊपर आपको हेयर वगैरह समझो के देखने को मिल रहे हैं तो वो भी एक आपके लिए डायग्नोस्टिक टूल ही बनेगा पी के अंदर कि जिसको हम सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस कहते हैं फिर ब्लड टेस्ट किया जाए कि जिसके अंदर हार्मोनल ऐसे वगैरह कि पूरा ब्लड टेस्ट जिसके अंदर हार्मोनल्स लेवल जैसे कि टेस्टेस्टोरॉन का लेवल कितना है तो जब डायग्नोसिस होगा तो आपको पता चलेगा कि टेस्टेस्टोरन का लेवल लि पीसीओडी के अंदर ऑलवेज इंक्रीज़ होता है कि रेज़ द लेवल ऑफ टेस्टेस्टेरॉन फिर जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हम कहते हैं उसका भी लेवल यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होकर आपको देखने को मिलेगा और फिर जो एफ होता है कि जो फॉलिकल स्टेमुलेटिंग हार्मोन है वो होगा रिड्यूस कि जो खास जरूरी है प्रॉपर फॉलिकल्स डेवलप होने के लिए नॉर्मल जो वेल्यूशंस जो होता है उसके लिए जो एफ का जो नॉर्मल लेवल होना जरूरी है उसके बजाय उसका लेवल लो हो जाएगा और चौथा जो डायग्नोसिस फ़ीचर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड के जिससे ओवेरिज वगैरह का पता लगा जाएगा जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं तो ये सब अलग अलग टूल्स जो है वो है फॉर द दा डायग्नोसिस ऑफ पी अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम देखें तो सबसे पहला जो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दैट इज़ ए इम्फर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है कि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं पीसीओडी के कारण गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर या फिर गैस्टनल डायबिटीज़ कहते हैं वो हो सकता है मिसकेरेज हो सकता है और प्री मैचर बर्थ अगर समझो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो कुछ महीनों बाद मिसकेरेज हो जाता है या फिर प्री बर्थ होता है उसके बाद हम देखें तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये डिसीज़ रहे तो कैंसर ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग के जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर ये भी हो सकता है ड्यू टू द कॉम्प्लीकेशंस ऑफ पी फिर जिनको ये प्रॉब्लम होता है उनको डिप्रेशन भी में जा सकता है पेशेंट एनजाइटी मतलब कि चिंता हो सकती है एंड इंटिंग डिसऑर्डर तो इंटिंग डिसऑर्डर्स होना एनजाइटी रिलेटेड एंड डिप्रेशन रिलेटेड और डिसऑर्डर्स ये आगे जाके ला सकता है पी तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए तो ट्रीटमेंट में आप अच्छे point by point. तो से समझिए पॉइंट बाई पॉइंट तो सबसे पहले तो मेडिकेशंस कि जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि कौन से मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ये पी के अंदर तो मेडिकेशन तो खास है कि मेडिकेशन तो अपनी असर दिखाएंगे ही बट मेडिकेशन के साथ साथ आपको क्या करना है तो सेकंड देट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज कि समझे कि आपकी अनहेल्दी लाइफ थी तो हेल्दी लाइफ ला दीजिए के आपके डाइट को अच्छे से कंट्रोल कीजिए हेल्दी डाइट्स अच्छे से लीजिए रेगुलरली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर आपका डायग्नोसिस कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है ब्लड शुगर वगैरह चेकअप कराते रहिए एंड हेल्दी प्रॉपर लाइफ स्टाइल एज वेल एज द डाइट फिर बात है कि रिड्यूस द वेट कि वेट रिड्यूस करने का खास ज़रूरत है यहाँ पे तो वेट रिड्यूस करने के लिए जो है आप स्पेशली एक्सरसाइज वग़ैरह कर सकते हैं फिर सिनामोन है वाटर एक यहाँ पे ख़ास इम्पोर्टेंट टूल बनता है ट्रीटमेंट के अंदर की मेडिकेशन से चलो आप ले ही रहे हैं बट साथ में ये एक हर्बल रेमेडी सबसे बेस्ट और काफ़ी असरदार साबित होती है पी के अंदर की जो सिन्नाम वाटर कि यहाँ आप जो सिन्नामॉन देख सकते हैं ये सिन्नामोन का पाउडर बना के आप जो उसका वाटर जो है वो डेली ले सकते हैं कि जैसे कोई चाय पीते हैं आप सेम लाइक दैट एंड ऑल्सो द ग्रीन टी तो ग्रीन टी भी आप लीए लीजिए और साथ सिम य वाटर कि समझो कि आप सुबह आठ बजे ग्रीन टी लेते हैं तो दस या ग्यारह बजे के बाद सिनाम वाटर भी ले सकते हैं या फिर आपको जो भी सूटेबल है दोनों के बीच में एटलीस्ट टू टू थ्री आवर्स का डिफरेंस रहे उस तरह से आप ग्रीन टी एंड सीनामन वाटर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर उसके बाद योगा भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है कि योगा मेडिटेशन की जो हम बात करते हैं कि उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और ये काफ़ी असरदार साबित होते हैं पी के अंदर और लास्ट में स्ट्रेस रिड्यूस करना तो ये है ट्रीटमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट के जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपकी मेडिकेशन समझो कि चालू है तो मेडिकेशन के साथ साथ आप ये योगा भी ट्राई करिए मेडिटेशन भी करिए स्ट्रेस कम करिए ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दें सीनावन वाटर यूज़ करें, वेट रिड्यूस करने के लिए लाइफ चेंज करें, एक्सरसाइज वगैरह करें तो उससे क्या होगा कि पी जो है वो अच्छे से क्योर हो जाएगा फिर जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी उसके अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं प्रोजेस्टिन थेरापी दी जाती है क्लोमेफिन करके जो टैबलेट्स आते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है फिफ्टी एन जी एस पर द यू वो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी यहाँ पे देखो क्लोमिफिन साइट्रेट टैबलेट्स एस पर यू एस पी फिफ्टी एम जी जिसकी स्ट्रेंथ है उसके बाद लेट्रोजॉल तो लेट्रोजोल के जो टैबलेट्स की जिसकी स्ट्रेंथ है टू पॉइंट फाइव एम जी फैम्प्रो करके है कि जो सिपला उसको मैन्युफैक्चर करती है और ये भी प्रिस्क्रिप्शन बेज रहेगा फिर कैबरगोलिन के जो टैबलेट्स तो ये भी प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के साथ ही लेनी चाहिए कि जो सभी प्रिस्क्रिप्शन बेज है इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिस्क्राइब फॉर पी सी यू डी बेज ही है सभी मेडिकेशन फिर कैबरगुलिन की बात आती है गोनाडोट्रॉपिनस एफ्लोरिथिन एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी यहाँ पे पी सी डी के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते तो ये भी एक पॉइंट आप ज़रूर से ऐड कर लीजिए मेटफॉर्मिन का तो ये सभी के साथ साथ मेटफॉर्मिन भी यहाँ पे पीसीओडी के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है कई बार मेटफॉर्मिन एंड कैबरगोलिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है मेटफॉर्मिन या फिर के टैबलेट्स भी होते तो प्रॉपर जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर अच्छे से आपको प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग टू तो उसके डोज वगैरह जो है वो आपको लेने होते बिकॉज पर्सन टू पर्सन उनके डोजेज वगैरह उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग हो होती है बट अब तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग टू ये सब मेडिकेशंस बेस्ट रहते हैं कि गोनाडोट्रोपिन से या फ्लोरिथिन है कि, है कि तो वो जो हेयर डेवलप होते हैं वो रिड्यूस करता है कि चेहरे पर्सन जो कि आपके हेयर वगैरह एक्सेस डेवलप होते तो वो कम करता है और मेटफॉर्मिन की जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है तो वो भी पी के अंदर काफ़ी असरदार साबित होता है और उसका कई बार आप कॉम्बिनेसन देखोगे कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको मेटफॉर्मिन के साथ साथ कैबरगोलिन भी कॉम्बिनेसन के अंदर प्रिस्क्राइब कर दे तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द पी सी ओडी के द फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स नोट्स होते हैं पी टी पी टी पी डी एफ़ आप फार्मारॉक्स की आप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मारॉक्स द तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड ऑड एपन गूगल प्ले एप लाइफ ऑन अपन स्टोर गुड लक एंड ऑल द बेस्ट